नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सूचना नेटवर्क और मैं हूं अरुण दुबे। महेश चंद गुप्ता, नगर विकास राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र और राज्य की सरकारों के काम काजों को गिनाया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव 2022 में पुनः उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने कहा आगामी चुनाव 2022 में पुनः उत्तर प्रदेश में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। हमारे न्यूज चैनल सूचना नेटवर्क पर आज उपस्थित हैं महेश चंद्र गुप्ता, नगर विकास राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। इनके द्वारा किस प्रकार से कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामना संदेश दिया जाएगा और किस प्रकार से इन्होंने विकास का कार्य किया है और आगामी चुनाव में किस प्रकार से पुनः बीजेपी सरकार बनेगी, उस पर क्या कहना है माननीय मंत्री जी का? जी सर, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सभी मेरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मेरी शुभकामना है। मैं परमपिता परमेश्वर हरि बोल से प्रार्थना करता हूँ तो सबके साथ अच्छा हो और उस मंत्र के साथ जो मेरा मंत्र है, अच्छा सोचो अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा। आज मैं कह सकता हूँ वास्तव में जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार 2017 से प्रदेश में आई है, आज प्रदेश के अंदर खुशहाली है। पहले बदमाश पुलिस पर आक्रमण करते थे और पुलिस असहाय होती थी, आज बदमाश अगर पुलिस पर आक्रमण करते हैं या जनता पर आक्रमण करते हैं तो इस सरकार में बदमाश धराशायी होती है। और ये मैं कह सकता हूँ कि वास्तव में जो बच्चे हमारे पहले प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे और वो प्राइमरी स्कूल में जब पढ़ते थे, उस बच्चे का पड़ोसी अगर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था तो बच्चा जो प्राइमरी स्कूल का था वो अपने लिए बड़ा हीन भावना समझता था। उसके मन में ये भाव आता था कि मैं आज उस प्राइमरी विद्यालय में जाता हूँ जिसमें फटे हुए फर्श हैं, बाउंड्री वॉल है नहीं, स्कूल भी टूटा फूटा सा है और वहाँ पर अपना जीवन यानी पढ़ाई में जैसी भी पढ़ाई होती होगी उस बच्चे के श्रद्धा का भाव नहीं होता। आज जब वही प्राइमरी स्कूल का बच्चा जब विद्यालय में पहुँचता है तो वो देखता है कि विद्यालय की बाउंड्री वॉल बनी हुई है, अंदर टॉयलेट लगी हुई है और फर्श की जगह आज वो कुर्सी पर बैठता है और स्वाभिमान के साथ बैठता है। और जब वो देखता है विद्यालय के बाहर छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप का, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बिस्मिल, शहीद अशफाकउल्लाह खान, ऐसे देशभक्तों के चित्र देखता है तो उसके मन में देशभक्ति का भाव आता है। और उसको जो ड्रेस मिलती है, उसको मोजा है, जूता है, पैंट है, शर्ट है, और शर्ट भी जब उसे गुलाबी रंग की मिलती है तो उसका चेहरा गुलाबी होता है, ये बड़ा प्रसन्न होता है। मैं कह सकता हूँ आज हमारे कानून व्यवस्था सब है, कानून का आज राज है। जो बड़े बड़े माफिया थे वो जो माफियाओं ने गरीबों की जमीन पर कब्जा कर कर और अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बना रखी थी, एकड़ों में बिल्डिंग बना रखी, आज हमारी माननीय योगी सरकार